एनएसकेआई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में ये विजिटिंग कार्ड आपको कंप्लीट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा फोटोशॉप में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू, सेंस यूनिट टू इंचेस, रिजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच, नाउ एंटर वाइड वैल्यू 3.5, हाइट वैल्यू 2, कॉन्टेंट्स वाइट, मोड RGB color, ओके। गो टू व्यू मेनू, क्लिक ऑन रूलर्स, रूलर्स यूनिट बाय डिफॉल्ट इंचेस में है, इसे मिलीमीटर्स में चेंज करना है, सो राइट क्लिक ऑन रूलर्स, सिलेक्ट मिलीमीटर्स, ओके। अभी गाइडलाइन क्रिएट करना है, तो वर्टिकल गाइडलाइंस क्रिएट करने के लिए वर्टिकल रूलर में क्लिक करके क्लिक को उसी जगह छोड़ेंगे जहां आपको गाइडलाइन प्लेस करना है। सो फर्स्ट गाइडलाइन प्लेस एट 40 mm फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सेकंड गाइडलाइन प्लेस एट 30 mm, 10 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट गाइडलाइन, थर्ड गाइडलाइन प्लेस एट 10 mm, 20 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड गाइडलाइन। नेक्स्ट क्रिएट हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस, फर्स्ट गाइडलाइन प्लेस एट 10 mm फ्रॉम द टॉप, सेकंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन प्लेस एट 30 mm, 20 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, थर्ड गाइडलाइन प्लेस एट 42 mm, 12 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। अगेन क्रिएट थ्री वर्टिकल गाइडलाइंस, फर्स्ट वन प्लेस एट 38 mm एंड अदर टू 5 mm डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पेन टूल में क्लिक करना है और 40 mm के नीचे यहाँ फर्स्ट क्लिक करना है। सेकंड क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्लिक 30 mm गाइडलाइन का ऊपर वाला हिस्से में करना है और क्लिक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है ताकि कर्व बन जाए। इसके बाद ही सेकंड क्लिक को छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट पॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है। अब कन्वर्ट पॉइंट टूल के जरिए कर्व को अपना जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ। जब हो जाएगा तब फिर से पेन टूल लेना है और पेन टूल से थर्ड क्लिक 10 mm गाइडलाइन के ऊपर वाला हिस्से में करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन टूल से फोर्थ क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर करके थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है और जब तक सही कर्व बन ना जाए तब तक क्लिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेस कंट्रोल एंटर ऑन कीबोर्ड फॉर सिलेक्शन, नेक्स्ट गो टू लेयर मेनू, न्यू एंड क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, सिलेक्शन न्यू लेयर, लेयर वन में कॉपी हो गया। आप बैकग्राउंड को इनविजिबल करके देख सकते हैं, बैकग्राउंड और लेयर वन दोनों का कलर सेम है व्हाइट में, इसीलिए दोनों विजिबल होने से फर्क दिखाई नहीं देता। अब लेयर वन का कलर चेंज कर देते हैं, बाद में अपना जरूरत के हिसाब से इस लेयर का कलर एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगेन क्लिक ऑन पेन टूल, सिलेक्ट बैकग्राउंड और पहला क्लिक 38 mm गाइडलाइन के नीचे वाला हिस्से में करना है। सेकंड क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सेकंड क्लिक में पहला जैसा थोड़ा कर्व बनाना है। कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर्व को एडजस्ट करना है अपना जरूरत के हिसाब से। अगेन पेन टूल लेना है और वीडियो में जैसे दिखा रहा हूं ऐसे आगे क्लिक करना है। लास्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर करना है, ओके। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर ऑन कीबोर्ड, गो टू लेयर मेनू, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, तो सेकंड लेयर क्रिएट हो गया, इसे अलग कलर दे देते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ कर्व बनाना है, सिलेक्ट बैकग्राउंड, वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे चौथा कर्व को बनाना है। कंट्रोल एंटर, लेयर न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, थर्ड लेयर क्रिएट हो गया, इसे अलग कलर देना है।
ओके, अगेन पेन टूल में क्लिक करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे फिफ्थ कर्व बनाना है। प्रेस कंट्रोल एंटर, गो टू लेयर मेनू, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, तो फोर्थ लेयर क्रिएट हो गया। इसे अलग कलर दे देते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन पेन टूल, सिलेक्ट बैकग्राउंड एंड क्लिक फ्रॉम हियर। इस बार कर्व नहीं बनाना है, सो क्लिक करते जाइए, लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक के ऊपर, ओके, प्रेस कंट्रोल एंटर, गो टू लेयर, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, फिफ्थ लेयर क्रिएट हो गया। इसे भी अलग कलर दे देते हैं। ओके, तो जितना लेयर हमें चाहिए सारे क्रिएट हो गया। नाउ क्लिक ऑन मूव टूल, राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन लेयर वन टू सिलेक्ट द लेयर। नाउ राइट क्लिक ऑन लेयर वन, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक हियर फॉर ग्रेडियंट एडिटर, क्लिक हियर टू चेंज कलर, सिलेक्ट कलर डार्क ब्लू, चेंज सेकंड कलर टू लाइट ब्लू, फर्स्ट कलर और थोड़ा डार्क ब्लू करना है। ओके, ओके, फर्स्ट लेयर के लिए एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ओके, अगेन सिलेक्ट लेयर टू, हियर राइट क्लिक ऑन लेयर टू, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक फॉर ग्रेडियंट एडिटर एंड चेंज द कलर्स। वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, टिक द रिवर्स ऑप्शन एंड चेंज द एंगल टू 100 डिग्री। ओके, नाउ सिलेक्ट लेयर थ्री, चेंज द कलर्स, ओके, एंटर एंगल वैल्यू 120 डिग्री। ओके, सिलेक्ट लेयर फोर एंड चेंज द कलर्स, एंटर एंगल वैल्यू 130, टिक ऑन रिवर्स ऑप्शन, ओके, सिलेक्ट लेयर 5, हियर राइट क्लिक ऑन लेयर 5, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक फॉर ग्रेडियंट एडिटर्स एंड चेंज द कलर्स। एंटर एंगल वैल्यू 150, ओके, नेक्स्ट गो टू व्यू मेनू, क्लिक ऑन क्लियर गाइड्स, नाउ डिजाइन इज रेडी, मर्ज विजिबल लेयर्स एंड जस्ट टाइप टेक्स्ट एंड ऐड लोगोस टू कंप्लीट योर डिजाइन। नेक्स्ट चलिए लोगो एंड टेक्स्ट डिजाइन करते हैं। पहले दो गाइडलाइन क्रिएट करना है, फर्स्ट वन 40 mm में प्लेस करना है और सेकेंड वन 35 mm में प्लेस करना है। नेक्स्ट प्रोफाइल लोगो ओपन कर लेते हैं, ओपन, इसे मूव टूल से हमारा फाइल में ले जाते हैं। ओके, वही प्रोफाइल लोगो को रिसाइज करके प्लेस करना है अपना ज़रूरत के हिसाब से। एंटर, नेक्स्ट कंपनी लोगो ओपन कर लेते हैं, ओपन, ये ओपन हो गया, इसे फाइल में ले जाते हैं। अभी इसे रिसाइज करना है अपना ज़रूरत के हिसाब से। ओके, प्लेस कर दिया इसे, ठीक है, एंटर, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो 120 डिग्री कर दीजिए, यहाँ पे साइज 8 10 कर दीजिए और डिस्टेंस 8 कर दीजिए। ओके, ठीक
ठीक है, न्यू लेयर ले लेते हैं, यहाँ कस्टम शेप में क्लिक करना है, नेक्स्ट टेलीफोन का सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करना है अभी, ठीक है, कंट्रोल एंटर, एल्ट बैक स्पेस, ये कलर आ गया, कंट्रोल डी, ओके, न्यू लेयर क्रिएट करना है, लेयर फोर, कस्टम शेप में ये मेल का सिंबल ले लेते हैं, ड्रॉ करना है अपना ज़रूरत के हिसाब से, कंट्रोल एंटर, एल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, ओके, ये हो गया, न्यू लेयर लेना है, फिर से कस्टम शेप में और वेब का सिंबल ले लेते हैं, इस पर वेब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंटर, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, ठीक है, नेक्स्ट गो टू फाइल, ओपन लोकेशन लोगो, ओपन मूव टूल से इसे हमारा फाइल में लेके आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अभी फ्री ट्रांसफॉर्म, इसे रिसाइज करना है, छोटा करना है, पीछे लेके जाना है और थोड़ा छोटा करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंटर। अब टेक्स्ट टूल में क्लिक करना है, न्यू लेयर, क्लिक हियर, चेंज द टेक्स्ट कलर टू ब्लैक, ओके, नाउ टाइप हियर योर नेम, ओके, न्यू लेयर पोजीशन टाइप करना है, ठीक है, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा, बोल्ड को हटा देते हैं, रेगुलर करना है, मूव टूल से इसे पोजीशन देना है, यू नेम थोड़ा बड़ा करना है, ओके डन, अगेन न्यू लेयर टेक्स्ट टूल, यहाँ टेलीफोन नंबर टाइप करना है, जो भी टेलीफोन नंबर है आपका, सिलेक्ट टेक्स्ट एंड सिलेक्ट साइज हियर, मूव टूल से इसे एडजस्ट करना है, ओके, अगेन टेक्स्ट टूल लेना है, न्यू लेयर, इसके बाद यहाँ टाइप योर ईमेल आईडी, ओके, मूव टूल से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर टेक्स्ट टूल, न्यू लेयर, यहाँ वेबसाइट देना है, कंपनी का वेबसाइट भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप अगर अपना वेबसाइट नहीं है तो सोशल नेटवर्क का URL भी दे सकते हैं, ठीक है, मूव टूल से एडजस्ट कर लिया, इसके बाद न्यू लेयर टेक्स्ट टूल, और यहाँ लोकेशन टाइप करेंगे, रेड कलर में टाइप करेंगे, योर लोकेशन हियर, छोटा करना है, योर स्ट्रीट एंड पोस्टल, जो भी है, मूव टूल से एडजस्ट करना है, अगर करना चाहते हैं तो, न्यू लेयर, इस लेयर में व्हाइट कलर में कंपनी नेम टाइप करेंगे, तो व्हाइट कलर ले लिया, ओके, कंपनी नेम, मूव टूल से एडजस्ट करना है, फिर इसे रिसाइज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एंटर, इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, मूव टूल, इसके बाद इसको ड्रॉप शैडो दे देते हैं, ठीक है, ओके, नाउ क्लियर गाइड्स, ओके, डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एनी स्काई आई।